यहाँ पे जो कृष्ण है वो अर्जुन को कह रहे हैं कि तुझे यहाँ पर अगर तू युद्ध करेगा, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, कि अगर तू मारा जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा, जित्वा भोक्षय से महीन, और अगर जीत गया तो यहाँ पर सत्ता का सुख भोगेगा। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए कौन्तेय खड़ा हो जा और दृढ़ निश्चय होकर युद्ध कर। तो वो कहते हैं कि यार जिहाद जब करते हैं तो वहां भी यही कहा जाता है कि अगर तू जीत जाएगा तो तू गाजी कहलाएगा और तू इनकी महिलाओं के रेप कर सकता है, क्योंकि वो तेरे लिए माले गनीमत हो जाएंगी, और अगर शहीद बन जाएगा तो तुझे वहां पर 72 हूरें मिल जाएंगी। तो यहां पर भी तो अर्जुन को वही बात बोल रहे हैं। सुपरफिशियली आप देखें तो आप इसको फिर से इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें इतनी सुपरफिशियलिटी है कि जैसे अब एक सर्जन है, मान लीजिए उसने किसी के पेट में सर्जरी करनी है तो ब्लेड से उसको काट रहा है, और किसी ने मर्डर करना है तो वो भी चाकू पेट में मार रहा है, तो आप बोलेंगे यार दोनों देखो एक ही जैसा तो काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे फिर से एक फॉल्स इक्विवेलेंस करते हैं, ये नहीं देख रहे कि उनका एंड ऑब्जेक्टिव क्या है और उनकी इंटेंशन क्या है। हमें बताया जाता है ऑल रिलीजन आर सेम, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं कि हिंदू धर्म अलग है और इस्लाम अलग है, और बहुत ज्यादा बदनाम किया जाता है इस्लाम को कि वो जिहाद की बात करते हैं, जबकि अगर भगवत गीता को खोल के देखा जाए तो जिस तरह वहां पे जो भगवान कृष्ण है अर्जुन को अधर्मियों को मारने की, आतताइयों को मारने की बात कर रहे हैं, वही बात कुरान में लिखी है कि जो काफिर है उन्हें मार दो। तो ये एक इक्विवेलेंस ड्रॉ किया जाता है। ये फॉल्स तो है ही, वो तो मैं अभी प्रूव करूंगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन क्यों आती है उसके 3 रीजन जो मुझे दिखाई देते हैं। पहला ये कि हमने अपने स्क्रिप्चर्स, अपने ग्रंथों को कभी पढ़ा नहीं, पढ़ना छोड़ चुके हैं। उसी का एक स्टेप आगे, जब अपने ही नहीं पढ़े तो दूसरों के कहाँ पढ़ेंगे, तो दूसरों के भी छोड़ चुके हैं। और तीसरा, पिछले 70-80 वर्ष में हमें जानबूझ के इतना मूर्ख बनाया जा चुका है ऑल रिलीजन्स आर सेम करके, और उसका एक एग्जांपल सफिशिएंट होना चाहिए कि ये सारा कुछ अपने आप नहीं हो रहा, ये बाय डिजाइन है। आप संसार के जितने भी देश हैं उनकी यूनिवर्सिटीज को चेक कर लें, जितनी रिस्पेक्टेबल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आपको डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन मिलेंगे, उनमें आपको कंपेरेटिव रिलीजन के कोर्सेज मिलेंगे, उनकी चेयर्स मिलेंगी। हम अकेला ऐसा देश है जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है और कंपेरेटिव रिलीजन भी नहीं सिखाया जाता। कुछ जगह पर डिपार्टमेंट ऑफ सिख स्टडीज मिल जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज मिल जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज मिल जाएगा, लेकिन हिंदू स्टडीज नहीं मिलता। वो फिलॉसफी में कहीं कहीं बड़ा माइनर पोर्शन से डाल रखा है, पर एज अ डिसिप्लिन ये आपको कहीं नहीं दिखाई देता। तो हमारे लोग इसमें बहुत ज्यादा धोखा खा जाते हैं, इसमें उनकी गलती नहीं है। अब ये जो फॉल्स इक्विवेलेंस है ये क्यों है, मैं जरा वो शेयर करने के एक बार फिर से ट्राई करता हूं। अब हम यहां पर 2 चीजें समझने की ट्राई करेंगे। पहली चीज के क्या हम काफिर शब्द को आतताई से कंपेयर कर सकते हैं, और दूसरी के क्या हम जिहाद को धर्म युद्ध से कंपेयर कर सकते हैं। तो इन्हीं दोनों पे ये हमारी जो डिस्कशन है आगे बढ़ सकती है। पहले तो हम कुरान को चेक कर लेते हैं कि कुरान का ये जो चैप्टर 47 है वर्स नंबर 4, तो जब तुम काफिरों से भिड़ो, एक मिनट मैं इसे दूसरी स्लाइड में दिखाता हूं, जब तुम काफिरों से भिड़ जाओ तो उनकी गर्दनें उड़ा दो, यहां तक कि जब उनको खूब कत्ल कर चुको तो जो जिंदा पकड़े जाएं उनको मजबूती से कैद कर लो, फिर इसके बाद या तो एहसान रखकर छोड़ देना चाहिए या कुछ माल लेकर, यहां तक कि मुखालिफ शरी फरीक लड़ाई के हथियार हाथ से रख दें, ये हुक्म याद रखो, और अगर खुदा चाहता तो और तरह उनसे बदले ले लेता, लेकिन उसने चाहा कि तुम्हारी आजमाइश एक को दूसरे से लड़वा कर करे, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उनके अमलों को हरगिज बर्बाद नहीं करेगा। यहां आपको दिखाई दे रहा है कि काफिरों को मारना है, उनकी गर्दनें काटनी है,
कत्ल कर दो, अरेस्ट कर लो, पैसे लेके छोड़ो, फ्री में छोड़ो। तो काफिर की डेफिनेशन पे आने से पहले हम इसकी तुलना कर लेते हैं कि जो भगवद गीता से की जाती है, जो वर्स कोट की जाती है भगवद गीता का, जो पहला चैप्टर है उसकी 36वीं वर्स है, 36वां श्लोक है, निहत्य धार्त राष्ट्रांग का प्रीति स्वाजनार्दन पाप मेवाश्रय दस्मान हत्व आतताइना। अब ये लास्ट में आतताइना शब्द आता है कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। अब पहले तो दोनों की आप टोन को कंपैरिजन करके देखेंगे तो वहां पर कोई हेजिटेशन नहीं है कि तुमने मारना है, काटना है, अरेस्ट कर लेना है। यहां पर उल्टा है, वो कह रहा है कि मैं जानता हूं कि आतताई है लेकिन इन्हें मारने पर भी पाप लगेगा। तो ये हेजिटेशन आपको अर्जुन के पार्ट पे दिखाई देती है। अब हम आते हैं काफिर की डेफिनेशन क्या है और आतताई की डेफिनेशन क्या है। अब फिर से लोग क्या करते हैं कि अपने मन से डेफिनेशन बना लेते हैं काफिर की, या जो उन्होंने कहीं पर कोई झूठी सच्ची सुनी होती है उसी के अकॉर्डिंग अपनी ओपिनियन बना लेते हैं। इसमें जैसा मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि हमारे देश के लोगों की बहुत बड़ी गलती नहीं है क्योंकि उन्हें पढ़ने नहीं दिया गया, लेकिन जो गलती उनकी है वो ये है कि अपनी ओपिनियन को वो फैक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर देते हैं। फैक्ट क्या है कि अगर आपको किसी भी चीज की डेफिनेशन जाननी है इस्लाम के लिए, तो सबसे बड़ा सोर्स होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होना चाहिए कुरान। अगर उसमें वो डिफाइंड है तो दुनिया का कोई भी आदमी इस्लाम की टर्मिनोलॉजी को उससे बेटर डेफिनेशन नहीं दे सकता, वो वैलिड ही नहीं होगी क्योंकि कुरान उनके लिए अल्टीमेट सोर्स है। तो कुरान में काफिर की डेफिनेशन कई जगह आती है लेकिन जहां सबसे अधिक क्लियर है वो है इसका चैप्टर नंबर 98 वर्स नंबर 6। बेशक अहले किताब और मुशरिकेन से जो लोग काफिर हैं वे दोजख की आग में हमेशा उसी में रहेंगे, यही लोग बदतरीन खलाइक है। इसका अर्थ क्या है? अहले किताब यानी पीपल ऑफ द बुक, अहल यानी पीपल, किताब यानी बुक, अहले किताब यानी पीपल ऑफ द बुक, जिनके पास बुक है। तो बुक किनके पास है? क्रिश्चियंस के पास और ज्यूज के पास। नेक्स्ट टर्म है मुशरिकीन। मुशरिकीन मुशरिक से बना है, मुशरिक शिर्क से बना है। तो शिर्क क्या होता है? किसी के साथ पार्टिसिपेशन करना। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसे आप न्यूज सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने फलां काम में शिरकत की, यानी उन्होंने वहां पे पार्टिसिपेट किया। तो जो अल्लाह के साथ किसी और को पार्टिसिपेंट बनाते हैं, जो इक्वल रखते हैं, मान लीजिए आप बोलते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो आपने ईश्वर को अल्लाह का शरीक बना दिया, इक्विवेलेंट बना दिया। जो ऐसा करता है, जो ये बोलता है कि अल्लाह के समकक्ष कोई और हो सकता है, कि इक्विवेलेंट कोई और हो सकता है, वो मुशरिक है। और ये इस्लाम में सबसे बड़ा क्राइम माना जाता है क्योंकि उनका ये जो पेक्यूलियर सा गॉड है अल्लाह, उसका सबसे ज्यादा बड़ा इंटरेस्ट ये है कि कोई और गॉड की पूजा ना हो, सिर्फ मेरी इबादत होनी चाहिए। तो इसलिए सबसे बड़ा क्राइम है। एज अ रिजल्ट, मैं अगर शिव जी को मानता हूं तो मैं मुशरिक हूं, आप किसी देवी को मानते हैं, आप कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, तो आप भी मुशरिक हैं। तो बेशक अहले किताब और मुशरिकीन से जो लोग काफिर हैं, तो आप काफिर हो गए क्योंकि आप अहले किताब में या मुशरिक हैं लेकिन आप अल्लाह को नहीं मान रहे, वो दोजख की आग में हमेशा उसी में रहेंगे, यही लोग बदतरीन खलाइक हैं, यानी दे आर वर्स्ट ऑफ द क्रीचर्स, के गिरे हुए जानवर से भी ये लोग घटिया हैं। ये कुरान और कुरान का गॉड, जो ये जो अल्लाह नाम का गॉड है, वो ये बात बोलता है। तो ये डेफिनेशन हो गई काफिर की। इसी को अगर आप इंग्लिश में देखेंगे वहां भी आपको क्लैरिटी आ जाएगी। वेरीली दोज हु डिसबिलीव इन द रिलीजन ऑफ इस्लाम, कुरान एंड प्रॉफिट मोहम्मद फ्रॉम अमंग द पीपल ऑफ स्क्रिप्चर एंड अल मुशरिकून विल अबाइड इन द फायर ऑफ हेल, दे आर द वर्स्ट ऑफ द क्रीचर्स। आई होप काफिर की डेफिनेशन यहां से क्लियर हो जाती है। तो वंस इट इज क्लियर, तो अब हमें ये समझ में आना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप भारत में जन्म लेते हैं तो यहां पर तो आपको मैक्सिमम लोग मुशरिक मिलने वाले हैं,
आप बड़े होके राम की कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, तो बाय दिस वेरी फैक्ट आप काफिर हैं, और बाय दिस वेरी फैक्ट आप सबसे घटिया क्रीचर हैं, आप सबसे, वो एक टर्म आती है मुझे अभी स्ट्राइक नहीं कर रही, सब मखलूक से बदतर है, वर्स्ट ऑफ क्रिएशन, आप सब मखलूक से बदतर हैं, तो मैं आप उस कैटेगरी में आ जाता हूं। और अब आपको लग सकता है कि आपका जन्म हो गया इसमें आपका तो कोई क्राइम नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये आपका क्राइम है, और इसके लिए आपकी गर्दन काटने का हुक्म जो ये गॉड है उसने कुरान में दे रखा है। अगर फिर ये चैप्टर नंबर 9 है, आयत नंबर 28, ए ईमानदारों, मुशरिकीन तो मेरे नाजिस है। अब नाजिस का वर्ड होता है वर्दी ऑफ हेट्रेट, घृणित, तो मुशरिकीन मेरे नाजिस है। अगर आपको नजिस अर्थ का अर्थ समझना हो तो इस्लाम में 10 चीजों को नजस माना जाता है कि जो वर्स्ट है, जिनसे नफरत करनी चाहिए, घृणा करनी चाहिए। उन 10 में क्या क्या आता है? यूरिन, सीमन, फीसेस, स्वेट, सुअर, कुत्ता, काफिर, और भी चीजें, लेकिन यहां से आपको आइडिया हो गया कि मुझे और आपको किस कैटेगरी में रखते हैं। तो काफिर की डेफिनेशन एक बार अगर क्लियर हो जाती है, ये उसी का फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ओ यू हु बिलीव वेरीली मुशरिकेन आर नाजसून इम्प्योर, सो लेट देम नॉट कम नियर अल मस्जिद अल हराम आफ्टर दिस ईयर, एंड इफ यू फियर पावर्टी अल्लाह विल एनरिच यू इफ ही विल आउट ऑफ हिज बाउंटी। अभी जो लास्ट वाला पोर्शन है मैक्सिमम लोग समझ नहीं पाते क्योंकि वो काफिरों की बुद्धि वैसी होती है, हम पढ़ते नहीं है इसलिए। तो वो ये पहली बात जो वो ये बता रहे हैं कि इनसे नफरत तो करनी करनी है, और इतनी नफरत करनी है एक कभी भी मस्जिदुल हराम यानी काबा के पास नहीं आ सकते। तो आज भी कोई भी नॉन मुस्लिम, काबा तो उनका रिलीजियस श्राइन है, मक्का शहर में भी नहीं जा सकते। जब आप बाय रोड अगर जा रहे हैं तो मक्का शहर आने से पहले ही वहां साइन बोर्ड लगे होते हैं कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो वहां से डाइवर्ट कर जाएं क्योंकि वो वहां पर अलाउड नहीं है। तो क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि वो घृणा के लायक है, नफरत के लायक है, नजस है, दे शुड नेवर एंटर देयर। और अगर तुम्हें डर लगता है फकर व फाका के तुम गरीब हो जाओगे, वो इसलिए कह रहा है, ये उस समय का कॉन्टेक्स्ट था कि क्योंकि तुम उनको लूट पाट के बनते थे और वो मस्जिद अल हराम में आएंगे तो वहां पर दान पैसे वैसे चढ़ाएंगे, तो उसकी चिंता मत करो, अल्लाह तुम्हें बहुत सारे फंड्स वैसे ही दे देगा। अब ये है चैप्टर नंबर 9 वर्स 123। वो अब करना क्या है इनके साथ, क्योंकि नजस तो है ही है। फाइट दोज ऑफ द डिसबिलीवर्स हु आर क्लोज टू यू। अब यहाँ ये वर्ड थोड़े थोड़े ट्विस्ट कर देते हैं, डिसबिलीवर आ गया। अब आम लोग इसमें प्ले कैसे करते हैं, डिसबिलीवर का मतलब हुआ यार जो एथीस्ट है उसको मारने की बात कर रहे हैं, जबकि डिसबिलीवर में पहले इसीलिए एक्सप्लेन किया कि उसमें सारे जो अल्लाह को नहीं मानते सब आ जाते हैं, एथीस्ट, हिंदू, क्रिश्चियन, ज्यू, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, सब इसमें आ जाते हैं। लेट देम फाइंड हार्शनेस इन यू एंड नो दैट अल्लाह इज विद दोस हु आर अल मुत्तकून। इनके साथ तुम्हें हार्श ट्रीटमेंट ही करनी है, इसलिए वो जो आप देखेंगे कि लड़कियों को बिना कारण छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, लड़कों को तंग करते हैं, वो आपको कुरान में दिखाई दे जाता है। ए ईमानदारो, कुफार में से जो लोग तुम्हारे आसपास के हैं उनसे लड़ो, और इस तरह लड़ना चाहिए कि वे लोग तुम में करारापन महसूस करें, और जान रखो कि बेशुबह अल्लाह परहेजगारों के साथ है। तो यहां से आई थिंक के काफिर की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाती है, और क्या करना है वो भी क्लियर हो जाता है। अब हम आते हैं आततायी की डेफिनेशन पे, जिसे इक्विवेलेंट करने की कोशिश की जाती है। तो आततायी की डेफिनेशन हमें भगवत गीता में नहीं मिलती, ये है शुक्र नीति एक ग्रंथ है उसमें मिलती है। अग्निदो गर्दश चैव धनहारी च सुप्तहा क्षेत्र दारापहारी च षडेते हे आततायिना। 6 टर्म्स हैं इसमें, आग लगाने वाला, विष देने वाला, धन का हरण करने वाला, सोए हुए का वध करने वाला, स्त्री और खेत का हरण करने वाला, ये 6 आतताई कहलाते हैं। अब ये बिल्कुल
लॉजिकल है कि जो भी ऐसी हरकत करेगा हम उसे आतताई मानेंगे, उसे अग्रेसर मानेंगे, उसे क्रिमिनल मानेंगे आज की अगर टर्मिनोलॉजी में बात करें तो। दोनों जगह पे डिफरेंस कहाँ है? काफिर की डेफिनेशन बाय रिलीजन आ रही है कि क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है इसलिए वो काफिर है, तुम उसको मार काट सकते हो, उसकी लड़कियां उठा सकते हो। यहां पर आतताई की डेफिनेशन जो है वो रिलीजन पे बेस्ड नहीं है, वो उसके बिहेवियर पे बेस्ड है, वो कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा एक्ट कर रहा है, कि क्या वो क्रिमिनल है। तो अगर वो क्रिमिनल है तो वो आतताई है इसलिए तुम उसे मार सकते हो। तो ये फॉल्स इक्विवेलेंस जो दी जाती है यहां से उसकी क्लैरिटी आ जानी चाहिए। और अगर हम भगवत गीता की बात करें तो वहां पे अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो सामने जो कौरव थे उन्होंने लाक्षाग्रह में सारे पांडवों को जलाने की कोशिश की थी, तो आग लगाने वाले थे वो। जब छोटे थे तो दुर्योधन ने भीम को जहर दे के मारने की कोशिश की थी, तो विष देने वाला भी था वो। धन का हरण करने वाला, उन्होंने बहुत बार पांडवों का धन हर लिया था। सोए हुए का वध करने वाला, फिर से लाक्षाग्रह में जब वो सो रहे थे उसी समय उनको मारना था। द्रौपदी का चीरहरण उन्होंने किया था, और खेत का हरण करने वाला वो भी बाय एक्सटेंशन उसे ले जा सकते हैं। तो वहां पर जो युद्ध करना था वो इसलिए नहीं था कि वो किसी और गॉड की पूजा करते हैं या वो किसी गलत घर में पैदा हो गए, वो इसलिए था कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज करता है इसलिए उसको दंड देना तेरा धर्म बनता है, इसलिए करना था। अच्छा, अब दूसरी डेफिनेशन आती है कि धर्म युद्ध और जिहाद, इनको इक्विवेलेंट करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं जो इस्लाम के अपोलोजिस्ट हैं, जो दुकानदार है इस्लाम के, उन्हें भी पता है कि उनकी किताबों में क्या कुछ लिखा हुआ, तो उसको वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड बनाने के लिए जिहाद को धर्म युद्ध में ट्रांसलेट कर देते हैं। और हिंदी और संस्कृत की विशेषता यह है कि इसमें घटिया से घटिया शब्द भी बड़ा रिस्पेक्टेबल लगने लग जाता है। तो जब आप जिहाद को धर्म युद्ध कहते हो तो रिस्पेक्टेबल लगना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले तो धर्म क्या होता है, बहुत बड़ी डेफिनेशन है, मैं हमारे ग्रंथों में बहुत जगह अलग अलग तरह से डिफाइंड है, उनमें मैं नहीं जा रहा, क्योंकि धर्म सबका भिन्न हो सकता है। जैसे अगर मैं टीचर हूं तो मेरा धर्म है बच्चों को पढ़ाना, अगर मैं सोल्जर हूं, अगर मैं पुलिस वाला हूं तो मेरा धर्म है क्रिमिनल्स को पकड़ना। अब उसमें मैं पर्सनली बुद्धिस्ट हो सकता हूँ, जैन हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता हूँ, लेकिन धर्म का मेरी कॉस्मोलॉजी से, वर्ल्ड व्यू से कोई लिंक नहीं, वो मेरी ड्यूटी है जो मुझे करनी है। अगर मैं सिख भी हूँ तो भी, अगर मैं एक प्लम्बर हूँ तो मेरा काम वहाँ पे प्लम्बिंग करने का, वो मेरा धर्म है, तो वहाँ पे वो धर्म आ जाता है। तो ऐसे ही क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय था, उसका धर्म था अपनी प्रजा को बचाने का, तो इसलिए वो जो युद्ध कर रहा था वो धर्म युद्ध था। लेकिन जब हम जिहाद पे आते हैं तो जिहाद की डेफिनेशन क्या आती है? जिहाद को अगर हम उन्हीं की टर्मिनोलॉजी में डिफाइन करने की कोशिश करें, यहां ले लेता हूं मैं चैप्टर नंबर 49 वर्स नंबर 15। सच्चे मोमिन तो बस वही है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर उन्होंने उसमें किसी तरह का शक शुबह ना किया और अपने माल से और अपनी जानों से अल्लाह की राह में जिहाद किया, यही लोग दावाए ईमान में सच्चे हैं। तो इस एक आयत से आपको क्लैरिटी आ जाती है कि अल्लाह पर ईमान लाए, रसूल पर ईमान लाए, और फिर कोई शक शुबा नहीं करना। अब किताब तुम्हारे पास आ गई है, कुरान आ गई है, उस पर बिना डाउट के बिलीव करना है और अल्लाह के लिए लड़ना है। और ये लड़ना कब तक है? जब तक हर एक व्यक्ति इस्लाम मानना आरंभ नहीं कर देता। यह है जिहाद। तो जिहाद को धर्म युद्ध से आप इक्वेट नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली फॉल्स इक्विवेलेंस है। फिर एक जो और फॉल्स इक्विवेलेंस दिया जाता है वो मैं ये शेयर करता हूँ। जो श्लोक बार बार बोला जाता है वो है श्लोक नंबर 37 है चैप्टर नंबर 2 का। हतो वा प्राप्यस्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्षयसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। यहाँ पे जो कृष्ण है वो अर्जुन को कह रहे हैं कि तुझे यहाँ पर अगर तू युद्ध करेगा, हतो वा प्राप्यस्यसि स्वर्गम, कि अगर तू मारा जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा, जित्वा भोक्षय से महीन, और अगर जीत गया तो यहाँ पर सत्ता का सुख भोगेगा, तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए कौन्तेय खड़ा हो जा और दृढ़ निश्चय होकर युद्ध कर।
तो वो कहते हैं कि यार जिहाद जब करते हैं तो वहां भी यही कहा जाता है कि अगर तू जीत जाएगा तो तू गाजी कहलाएगा और तू इनकी महिलाओं के रेप कर सकता है क्योंकि वो तेरे लिए माले गनीमत हो जाएंगी, और अगर शहीद बन जाएगा तो तुझे वहां पर 72 हूरें मिल जाएंगी। तो यहां पर भी तो अर्जुन को वही बात बोल रहे हैं। सुपरफिशियली आप देखें तो आप इसको फिर से इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें इतनी सुपरफिशियलिटी है कि जैसे अब एक सर्जन है, मान लीजिए उसने किसी के पेट में सर्जरी करनी है तो ब्लेड से उसको काट रहा है, और किसी ने मर्डर करना है तो वो भी चाकू पेट में मार रहा है, तो आप बोलेंगे यार दोनों देखो एक ही जैसा तो काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे फिर से एक फॉल्स इक्विवेलेंस करते हैं, ये नहीं देख रहे कि उनका एंड ऑब्जेक्टिव क्या है और उनकी इंटेंशन क्या है। दो चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि इंटेंट क्या है और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पर जब हम भगवत गीता की बात करते हैं, वहां ये श्लोक नंबर 37 में आने से पहले श्लोक नंबर 31 आता है, स्वधर्मपि चावेक्षे न विकम्पित कर्तुमर्हसि, धर्माधि युद्धाश्रयो अनित क्षत्रस्य न विद्यते। अब यहां वो बिल्कुल उसको स्पष्ट बोल रहे हैं। दूसरी लाइन का पहला शब्द देख लीजिए, धर्मयादि, कि धर्मयात युद्ध है, जो तेरे धर्म के लिए तेरे तुझे युद्ध दिया गया तुझे उसमें लड़ना है। और वही बात वो उसके बाद श्लोक नंबर 33 में बोलते हैं, अथ चेतत्वमिमं धर्म्यम, कि ये तेरा धर्म है इसलिए तुझे ये युद्ध करना है। और क्योंकि वो क्षत्रिय है, वो मैं पहले बता चुका हूं कि क्षत्रिय का धर्म है कि उसने आतताइयों से बचाना है, उसने क्रिमिनल्स से बचाना है, तो यहां पर क्रिमिनल्स से बचाने के लिए युद्ध किया जा रहा है। और वहां पर जो क्रिमिनल है, आप देखें कि जस्ट ये फैक्ट कि वो मेरे रिलीजन का नहीं, मैं उसको मार सकता हूँ, इससे बड़ी क्रिमिनैलिटी और क्या होगी कि मैं उस लड़की का रेप कर सकता हूँ कि वो मेरे हाथ में आ गई, मेरे कब्जे में आ गई। उसके लिए टर्म होता है मा मलकत अयमानुकुम। अब ये जो ISIS के जिहादी हैं, जब ये यजीदियों के वहां पहुंचे थे तो यही यजीदी महिलाओं के साथ इन्होंने रेप किए हैं, क्योंकि उनका मजहब, उनकी किताब उनको ये बता रही है कि ये तेरे लिए माले गनीमत है। पूरे का पूरा चैप्टर है इसका माले गनीमत का कुरान के अंदर। तो एक अधर्म का युद्ध कर रहे हैं, उसे धर्म के युद्ध से आप कभी कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो यहां पर ये जो फॉल्स इक्विवेलेंस है वो इसीलिए आपको दिखाई, फॉल्स इक्विवेलेंस आप इसीलिए करने की ट्राई करते हैं क्योंकि आप ये नहीं देख रहे कि अर्जुन को धर्म के लिए लड़ने के लिए बताया जा रहा है कि उसने क्रिमिनल्स को मारना है, जिसने क्राइम किया था उसे मारना है। जबकि दूसरी ओर जब जिहाद करना है तो वो आज से 1400 साल पहले रेगिस्तान में किसी एक आदमी ने एक किताब डिक्टेट करवा दी। उसके बेसिस क्या है कि 7 आसमान होते हैं, हर एक पॉइंट पे ध्यान दे सकते हैं, 7 आसमान होते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 7वें आसमान पे गॉड बैठा है। पॉइंट नंबर 3, कि वो गॉड ऐसा है कि जब उसको अपनी बनाई क्रिएशन से कम्युनिकेट करना होता है तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता। पॉइंट नंबर 4, वो कम्युनिकेशन के लिए किसी को चुनता है। पॉइंट नंबर 5, किसे चुनता है, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता। पॉइंट नंबर 6, उसको किताब भेज रहा है। पॉइंट नंबर 7, उसे भी डायरेक्टली नहीं भेज रहा, उसे किसी फरिश्ते के थ्रू भेज रहा है। पॉइंट नंबर 8, वो फरिश्ता किसी और को ना दिखाई देगा ना सुनाई देगा। पॉइंट नंबर 9, कि उसमें जो कुछ लिखा है वो वर्ड बाय वर्ड फॉलो करना है, आज के बाद कोई मैसेज नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 10, कि इस गॉड को ये नहीं पता था कि कुछ साल बाद इंटरनेट भी आ जाएगा, कि सबको एक ईमेल कर देता तो सबको पता लग जाता। तो इस तरह के अंधविश्वास को हम सनातन धर्म के साथ इक्वेट करने की कोशिश करते हैं, तो हमें अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। कहीं ना कहीं हमने एज अ सोसाइटी वी हैव लॉस्ट अवर कलेक्टिव माइंड्स। हमने ये नहीं पढ़ा कि हमारा धर्म हमें क्या बताता है, और किसी और का मजहब हो या अधर्म हो वो हमें क्या पढ़ाता है। इसलिए जब तक हम ये नहीं सीखेंगे, हम इस तरह की बाइनरी भी नहीं कहना, हम इस तरह के कंफ्यूजन में उलझे रहेंगे कि यार वो भी तो हमारे जैसे ही काम कर रहे हैं। तो आई होप मैंने इसको क्लियर करने की ट्राई की है, एंड आई होप आई हैव मेड इट माई सेल्फ क्लियर। तो मैं यहाँ पर अपनी इस बात को विराम देता हूँ। बहुत ही बहुत धन्यवाद नीरज जी, बहुत ही आसान शब्दों में आपने इस बात को समझाया है।
हालांकि इतना डिफरेंस है दोनों में, लेकिन शब्दों का खेल खेल के किस तरीके से उसे एक दिखाया जाता है। और आपने सही बोला कि हम लोगों को बचपन से ही पढ़ाया ही नहीं जाता है अपने धर्म के, अपने रिलीजन के बारे में। सनातन धर्म हमारा जो इतना ज्ञान है, उस ज्ञान को पढ़ाया ही नहीं जाता है, तो हम वो डिफरेंस कभी समझ ही नहीं पाते हैं। वो बहुत जरूरी है। तो एक सभी श्रोताओं से और सभी से एक विनती है कि अपनी अगली पीढ़ी को अब सिखाना प्रारंभ करें, थोड़ा सिखाना, थोड़ा बताना शुरू करें ये चीज। थोड़ा सा ऐड करना था जो अभी आपने लास्ट में बोला कि वो कम्युनिकेट डायरेक्टली नहीं करता, किसी फरिश्ते के थ्रू करता है जिसको पढ़ना नहीं आता। उसमें एक लाइन है, उसको आपके बेडरूम में बहुत इंटरेस्ट रहता है हमेशा। He used to keep coming to मोहम्मद to tell him इससे शादी कर लो, इससे ना करो। वो जो उसकी बहू थी उससे भी पहले उसने कहा नहीं करूंगा, अपने बेटे बोला कि नहीं करता मैं, तो तलाक मत दे। बाद में फिर अल्लाह ने हमें बताया कि नहीं नहीं उससे तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। परना जी, इसमें एक चीज जो हम ओवरलुक कर जाते हैं वो पता क्या है कि वो उसकी बहू बनने से पहले उसकी बहन भी थी, वो उसकी फर्स्ट कजन थी ज़ैनब। तो पहले उसकी बहन है वो, फिर वो उसकी पुत्र वधु है, अब वो उसकी पत्नी बन गया, ऐसा गॉड है वो। और जो ये काम कर रहा है वो आइडियल ह्यूमन बीइंग माना जा रहा है। तो अगर ऐसे लोगों को आइडियल माना जाएगा तो आप क्या सोचते हैं कि महिलाएं सुरक्षित बचेंगी? क्या कोई भी रिश्ते की पवित्रता बचेगी कहीं? आप न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, आपको यही देखने को मिलता है। रिश्तों की तो छोड़िए, जानवर भी नहीं सुरक्षित बचते। तो ये वो जहां से इंस्पिरेशन ले रहे हैं वहीं पर गड़बड़ है, तो वैसा ही होगा ना। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि वो जो हम मैं बार बार कहता हूं कि जो तो दुर्जन है वो तो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, जो सज्जन है उन्होंने अपना काम करना छोड़ रखा है, ये प्रॉब्लम है। और जो ये जो फॉल्स इक्विवेलेंस है उसका एक मैं एग्जाम्पल और जो दिया करता हूं कि मान लीजिए एक 5-6 साल का बच्चा है, वो किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पहुंचता है या लाइब्रेरी में जाता है, वहां एक किताब केमिस्ट्री की पढ़ी है और एक हिस्ट्री की पढ़ी है। तो एक को खोलता है 2-4 पेज देखता है, दूसरी को खोलता है 2-4 पेज देखता है, कहता है यार दोनों एक ही दो चीजें सारी ABCD, केवल वो 26 अल्फाबेट्स है, उन्हीं से तो सारा कुछ बना हुआ है, तो इसका मतलब दोनों में सेम कंटेंट है। दैट इज हाउ फूलिश वी आर कि बाइबल कुरान, वो आप देखेंगे ना लिखा होता है कि बाइबल में भी 5 लेटर हैं, गीता में भी 5 लेटर हैं, कुरान में भी 5 लेटर हैं, इसलिए ठीक की बात कहती हैं। दैट इज द लेवल ऑफ डंबनेस वी हैव अचीव्ड एज अ सोसाइटी। तो जब तक हम अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे तब तक हम जो श्रिंक होते जा रहे हैं वो और हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस टॉक। आई टोटली एग्री दैट हिंदूज आर ओनली टू ब्लेम फॉर आवर व्हाटएवर हैज हैपेंड सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म। Don't you think it's about time that ये article जो 30 है जिसमें लिखा गया है that everybody can preach their religion except Hindus, I think ऐसे कुछ था, उसको हटाने का time आ गया है। बहुत पहले होना चाहिए था, but this is a very wrong thing which our Prime Minister Nehru had introduced। जी लता जी, it's not only article 30, बहुत सारे articles हैं जो हमारे constitution में जो हटा देने चाहिए। 25 to 30 5-6 articles हैं जो highly discriminatory हैं। इनफैक्ट 21 और 25 देखें ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। ऐसी 153A है, 295A है, ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो किसी भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग देश में होने ही नहीं चाहिए। मैं तो सदा ये कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशंस में हिंदुओं के लिए माइनफील्ड बिछा रखी है कि आप हिंदू ट्रेडिशंस को प्रोपेगेट करना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन उसके आड़े सब जगह पर आ जाएगा। तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं एंड इट इज लॉन्ग ओवरड्यू, दीस शुड बी डेफिनेटली रिमूव्ड फ्रॉम इट। आर्टिकल 30 एब्सोल्युटली एग्रीड। नमस्ते नीरज जी, आई एम सॉरी माय क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट वियर्ड, बट देयर आर सर्टेन पीपल हु आर मुस्लिम्स हु आर वेरी ओपन माइंडेड, वी नो देम फ्रॉम द पब्लिक फिगर्स एंड सर्कल्स, दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटरी टुवर्ड्स अस, बट एट द सेम टाइम दे आइडेंटिफाई एज मुस्लिम्स। I'm not sure from my place, how do I understand them being devout Muslims while being very understanding towards us? And they are in our public, they come to our talks
on Sangam Talks and other places as well. So I'm not sure how to reconcile with that. Okay. What is your advice, please? See, it's not a weird question. It is a very understandable question. And I think this is one of the very crucial questions which we should be asking about. When you are talking of somebody who claims himself or herself to be a moderate Muslim, what should be touchstone for this? Point number one, do they believe in a God called Allah and a book called Quran? And what kind of person according to them is Prophet Muhammad? If these three questions, they give you clear answers, if they believe in Allah, believe in Quran, and consider Prophet Muhammad to be a good person, stay miles away from them. It should not be very complicated. They may use a lot of sophistry. They may use tricks of the trade, which are generally employed, but you will get to know the answer. The touchstone is what they say about Prophet Muhammad. 2 saal baad aapse live milne ka mauka mila hai. एक तो पहले कंसर्न है आपकी, ये यूट्यूब पे इस्लाम के ऊपर पूरी जो सीरीज है वो मैंने देखी है, उससे कंसर्न यही है कि आपको थ्रेट्स आते होंगे शायद, तो आप पहले तो अपना बहुत ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, आप हमारी एसेट है, हम आपको गंवाना नहीं चाहते। दूसरी चीज है, देखा जाता है कि एक मुस्लिम का बच्चा जब मदरसा में जाता है तो शुरू से ही उसको ये सब चीजें दिमाग में फिट कर दी जाती है, तो बाल मानस के ऊपर से जो शुरू से जो प्रभाव रहता है वही प्रभाव फिर वो पूरी जिंदगी निभाता है और उसी को वो पकड़ के रखता है, फिर उसको आप कुछ भी बोलेंगे तो उसको वो दिमाग में नहीं घुसता है, जो पहले से ही सिखाया गया है वही रहता है। अब देखने को ये भी मिलता है, जैसे जीना जो है तो वो तो फर्स्ट ही कन्वर्ट हुआ है, वो बचपन से तो वो टीचिंग्स नहीं लिया है, फिर भी वो इतना कट्टर कैसे हो जाता है? मतलब इस्लाम में ऐसी क्या चीज है, मतलब आज अगर एट द एज ऑफ 40 अगर मैं कन्वर्ट हो रहा हूँ तो मैं 5 साल के बाद वही रायोटिंग करूंगा, मैं वही करूंगा, मतलब वो 5 साल में ऐसा क्या हो जाता है, उसके बारे में अगर आपका कुछ स्टडी है तो मैं जानना चाहता हूँ। जी जी, देखिए इसमें पहली चीज जो आपने कहा कि थ्रेट आते हैं वो पार्ट ऑफ द लाइफ है, वो मुझे पता था कि वो ट्रेड ऑफ होता है, लेकिन ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बचपन से जाते हैं, तो यही बात मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि हमने एज अ सोसाइटी बहुत बड़ा फेलियर है हम, क्योंकि हमने उन बच्चों को मदरसे में जाने दिया, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, पिछले 100 साल में देखेंगे तो मदरसे हमारे यहाँ पर प्रॉपअप किए गए हैं गांधी के टाइम से, और 47 के बाद ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उन बच्चों के ऊपर भी अत्याचार है जिनको मदरसों में भेजा जाता है। पर आपका बेसिक क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या है कि वो कट्टर हो जाते हैं इतने ज़्यादा, उनके देखिए उनको भेड़ बकरियों की तरह झुंड की तरह हांक के रखा जाता है और उनके अंदर एक फियर साइकोसिस डाला जाता है, और एक फियर साइकोसिस नहीं है, उसमें 2-3 है। पहला तो ये है कि उनका जो गॉड है वो एक डराने वाला गॉड है, हिंदू इस बात को कभी इमेजिन समझ ही नहीं सकता कि ऐसा भी कोई गॉड हो सकता है जो डराता है। आप कभी ओवैसी की तकरीर सुनिए, अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह का खौफ करो, और जो लोग महिलाएं कन्वर्ट होती हैं बाहर आती हैं इस्लाम से तो यही बताते हैं कि हमें एक एक स्टेप पे कहा जाता था कि अल्लाह का खौफ खाओ नहीं तो वहां जहन्नुम में जाओगी। ये डर ऐसा बिठा देते हैं कि वो उनके अंदर कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि वो झुंड की तरह ही काम करते हैं। अगर ये कंडीशनिंग बचपन से नहीं हुई होती तो उनको बचाना आसान होता, लेकिन हमने छोड़ा सेक्युलरिज्म के नाम पे, माइनॉरिटिज्म के नाम पे उनको मदरसों का विक्टिम बनने दिया, ये हमारी गलती जिसे सुधारने की जरूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा, हेमंत बिस्वा ने लिया है, कुछ योगी जी ले रहे हैं, तो शायद अब हम सुधरने के रास्ते पे चलना शुरू किए। आई थिंक विक्रांत जी जो पुनः पूछना चाह रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि जो बड़ी उम्र में जाकर भी इस्लाम में जाता है वो कट्टर हो जाता है, क्यों? मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए, मैंने मिस कर दिया। उसमें एक ब्रॉड ब्रश से हम सबको पेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें मैंने तो बहुत वैरायटी देखी है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बड़ी एज में इस्लाम में चले गए किसी कारणवश, लेकिन जैसे ही उनको असलियत समझ में आई फिर वो वापस निकल आए। एक वो कैटेगरी है। दूसरी है जो जाते हैं किसी तरह का गेन करने के लिए,
कि मैं उन्हें भी जानता हूँ कि जैसे उसकी पहले एक शादी थी, अब उसको लगा कि उसे एक और शादी करनी, तो मुसलमान बन गया, वहां पे उसके लिए बड़ा कंफर्टेबल है। तीसरा एक था, उसको अपनी बीवी से डिवोर्स चाहिए था, तंग करती थी उसे बहुत ज्यादा। अब हिंदू होते रहते और एक हिंदू और एक क्रिश्चियन दोनों को जानता हूँ, वो डिवोर्स नहीं दे सकता था, वो कन्वर्ट हो गया, मुसलमान बन गया, उसके लिए डिवोर्स देना आसान हो गया, उसने 3 महीने के अंदर निकाल दी पत्नी अपनी। तो जो इस तरह का काम करते हैं वो आउटवर्डली आपको कट्टर लग सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस्लाम को अपनाया। और तीसरी कैटेगरी जो है कि जो आप जिसको मेनली एड्रेस कर रहे हैं कि कन्वर्ट हो जाते हैं फिर पूरे कट्टर हो जाते हैं, ऐसे मैंने अपने एक्सपीरियंस में नहीं देखे, मतलब लाइव नहीं देखे, लेकिन वो देखे हैं जो ISIS जिन्होंने ज्वाइन किया, जैसे वो जिहादी जॉन है या ऐसे लोग हैं, वो जनरली वो लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी से कन्वर्ट होकर इस्लाम में जाते हैं और फिर ज्यादा कट्टर हो जाते हैं। हिंदुइज्म में से कोई ऐसा गया, मैं ऐसे किसी से नहीं मिला जो बड़ी एज में कन्वर्ट हुआ और उससे कहीं अधिक कट्टर बन गया। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपने बहुत खूब कहा कि कहीं ना कहीं मदरसा का तो बहुत बड़ा रोल है, उसका लाइव एग्जाम्पल जो अभी हिजाब कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है उसमें उसका बहुत बड़ा रोल देखा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा रिडंडेंट लग सकता है जो अदिति जी ने पूछा, उन्हीं सिमिलर लाइंस में मेरा भी क्वेश्चन है। लोग कई बार कहते हैं कि शिया और बोरा जो कम्युनिटी होती है वो रिलेटिवली कम स्कैरी है और वो लिबरल होते हैं एज कंपेरेबल टू सुन्नी, तो मुझे आपसे जानना है कि क्या ये सच है या फिर हमें उनसे भी उतना ही डरना चाहिए? ये मैंने बहुत बार सुना है, लेकिन पहले तो मैं आपको एनेक्डोटल एविडेंस देता हूँ जो मैंने फेस किया है। अब जो अभी पंड्या जी ने कहा था कि आपको थ्रेट्स आते हैं, तो मुझे थ्रेट्स आते हैं विदेशों से भी और अपने देश से कम आए हैं, क्योंकि अपने देश वालों को ट्रैक करना आसान होता है। तो जो पकड़े गए हैं ना उनमें शिया ज्यादा निकले हैं पॉइंट, और बड़े लोग हैरान हुए कि यार हम इनको, और स्पेशली बोहरा कम्युनिटी में से। ठीक, तो जब मैंने लोगों से बात शेयर की अपने सर्कल में तो बोले यार हम तो कभी सोचते थे कि अगर तुझे थ्रेट आएगी तो इनसे आएगी, इनसे तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था, राइट। फिर एक बार मुझे अपने किसी प्रोग्राम के लिए अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बुलाया गया था। मेरे साथ जो सज्जन थे वो जम्मू यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट से थे, डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स हैं वो, जिगर मोहम्मद नाम है उनका। तो जब डिस्कशन शुरू हुई तो धीरे धीरे जब उन्होंने खुलना शुरू किया तो वो उससे कहीं ज्यादा कट्टर लगे मुझे, जिसको हम आम सोचते हैं। हालांकि वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड ढंग से पेश करने की कोशिश कर रहे थे सारा कुछ, लेकिन वो समझ में वंस यू नो दियर डॉक्ट्रिन तब आपको समझ में आ जाता है कहाँ खेल रहा है और कितना चालाक है। तो अब अनफॉर्चुनेटली हमारे अभी जो डिस्पेंसेशन है बीजेपी RSS में भी एक वर्ग है जो मानता है कि यार शिया तो ना अपनी साइड के हैं, दे शुड बी वेयर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि टचस्टोन क्या होना चाहिए, हाउ विल यू जज समबडी इज मॉडरेट। अगर वो कह रहा है कि मैं एक ऐसे गॉड में विश्वास करता हूँ जो तुम्हारी गर्दन उड़ाने की बात करता है, और अगर लड़की हो तो जो आपको माले गनीमत समझ सकता है, जो आपको सेक्स स्लेव बना सकता है, क्या ऐसे अल्लाह में, ऐसी कुरान में विश्वास रखते हैं, और मोहम्मद के कैरेक्टर को कैसा जानते हैं? बस ये 3 क्वेश्चन पूछ लो, वो जितने हिजाब ओढ़े होंगे ना सब उतर जाएंगे। नीरज जी, इसी से रिलेटेड एक छोटा सा है कि जो वर्ड आया था अभी बोहरा, तो मुस्लिम और बोहरा इनमें क्या अंतर है? मुस्लिम बोहरा मुस्लिम में एक सबसेक्ट, एक सेक्ट है, शिया के अंदर ही आ जाते हैं बोहरा, और बोहरा भी कई होते हैं, दाऊदी बोहरा है, सुलेमानी बोहरा है, उनमें वो सेक्ट्स अलग अलग हो जाएंगे, उनको भी और टॉक रख सकते हैं उसमें। जी बिल्कुल, इस पर बात करेंगे नीरज जी, क्योंकि कई बार आता है कि नहीं बोहरे वो उस तरीके से मुस्लिम नहीं होते हैं, अलग होते हैं। तो इसमें एक चीज जो मैं बता देता हूँ आपको, जो आपको भी स्ट्राइकिंग लगेगी, कि एक ऐसा भी सेक्ट है इसमें जो रीइंकार्नेशन में भी विश्वास रखता है, तो थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं। थैंक यू अगेन। माय क्वेश्चन इज, देयर आर पसमंदा मुस्लिम्स, आर दे वेरी डिफरेंट फ्रॉम अशरफ एंड अदर types of Muslims in terms of the cornerstones you described? The evidence of the pudding is in tasting it. मैंने अभी बताया 3 questions हैं। आप देखिए उनकी allegiance किस से है? क्या ऐसी किताब से है जो discriminatory है?
कि ऐसे गॉड से है जो डिस्क्रिमिनेटरी है, और क्या वो उस व्यक्ति को आइडियल ह्यूमन बीइंग मानते हैं जिसने 6 साल की बच्ची से निकाह किया था, जिसने अपनी बहन अपनी पुत्रवधू से निकाह किया था, जिसने एक 17 वर्ष की बच्ची के पूरे परिवार को मारने के बाद उससे निकाह किया था, जिसने सेक्स स्लेव्स रखी थी, जिसने लोगों को मंडियों में ले जाकर बेचा, जिसने एक पोएटेस को सोते हुए में मरवा दिया, जिसने एक बूढ़ी महिला को 2 ऊंटों से बंधवा कर बीच में से चिरवा दिया, जिसने 900 यहूदियों को एक ही दिन में गले कटवा के मरवा दिया, जिसने पूरे अरेबिया में सारे का बाकी सारे रिलीजन्स खत्म करवा दिए, क्या जिसके ऑर्डर पे आज तक मक्का में नॉन मुस्लिम्स का जाना बैन है, इस तरह के व्यक्ति के बारे में उनके क्या विचार हैं वहां से आपको पता लग जाएगा। तो ये जो लेबल है इनको आप छोड़ दीजिए, वो बोहरा है, पसमानदा है, क्या है, आपको बस मोहम्मद के बारे में पूछ लेना कि अभी तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। That's it. That will give you the idea.